देश में कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र को अब एक और खतरे का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने निसर्ग नामक गंभीर चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी की है, जो बुधवार शाम तक दस्तक दे सकता है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और आसपास के जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के 3 जून को राज्य के तट पर पहुंचने की आशंका है। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और किसी भी स्थिति से निपटने में राज्य की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने यह बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 10 इकाइयों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है, जबकि 6 अन्य को तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में बिजली आपूर्ति बिल्कुल बाधित नहीं हो, जब राज्य कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है और विभिन्न अस्पतालों में हजारों मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं चक्रवाती तूफान के चलते दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग और भरूच के 7 जिले, सौराष्ट्र के भावनगर और अमरेली के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए, चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब निसर्ग की बारी, किस प्रकार के हालात हैं, क्या अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया? बिल्कुल, देखिए, यदि देश अभी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, उसी के चलते अभी अम्फान के बाद अब निसर्ग तूफान जो शुरू हुआ है वो गुजरात के तट पर 3 जून को दस्तक दे सकता है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को अलर्ट किया गया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँ की नेशनल डिजास्टर जो रिस्पॉन्स टीम है, NDRF की 10 टीमें तैनात की गई है। इसके साथ ही साथ निसर्ग के खतरे को देखते हुए 13 दूसरी टीमों को भी तैयार रखा गया है। हालांकि यदि मौसम विभाग की मानी जाए तो अभी जो तूफान की स्पीड है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, लेकिन तूफान में बदलने के बाद ये करीब 125 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा हो सकती है। हालांकि यदि माना जाए तो कि अभी मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर देखा जा रहा है, जो जल्द ही मुंबई में दबाव बना सकता है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने जो वर्तमान क्षेत्र बताया वो करीब गोवा से 200 से 250 किलोमीटर दूरी इसकी बताई जा रही है। यदि मौसम विभाग को देखा जाए तो गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उसमें 3 और 4 जून को भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ सूरत, भरूच, नवसारी, वलसाड, डांग और सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली जिले में NDRF की 10 टीमों को भी तैनात किया गया है। हालांकि यदि केंद्र सरकार को देखा जाए तो वो लगातार इसको लेकर बातचीत कर रही है, क्योंकि अम्फान से जिस तरह से निपटे थे उसी तरह से निसर्ग से निपटने की बात चल रही है। जी मनीषा, ऋषभ, देखिए, एक सवाल और मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि देखिए आज शाम तक जो तूफान है उसके पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि रिक्वेस्ट ये की गई है कि कोरोना के संकट से इस समय जूझ रहे हैं तो जो बिजली आपूर्ति है वो किसी प्रकार से बाधित ना हो, क्या अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, बिजली आपूर्ति को ध्यान में रखा गया है क्योंकि कोरोना संकट से लोग जूझ रहे हैं। हालांकि तटीय इलाकों की बात करी जाए तो वहां से लोगों को हटा दिया गया है, NDRF की टीमें तैनात कर दी गई, क्योंकि अम्फान से अभी 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 निपटे थे तो उसको देखते हुए निसर्ग को लेकर जो जानकारियां आ रही है उसमें यही है कि अम्फान को ध्यान में रखते हुए निसर्ग से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करी जाए तो वो मुंबई और आसपास के जिलों में उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है। संवेदनशील जो इलाके हैं जहां पर जैसे पालघर है, रायगढ़ है, इन सबको लेकर उन्होंने एहतियात बरत दिए, क्योंकि अगर रायगढ़ जिलों में देखा जाए तो रासायनिक और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार पर आती है। इसको ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री है ठाकरे, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया था कि अरब सागर में जो विकसित चक्रवाती तूफान है उसके मद्देनजर जो मुंबई उपनगरीय जिले क्षेत्र है, ठाणे हो, पालघर हो, रत्नागिरी हो, सिंधुदुर्ग हो, उनपे अलर्ट जारी कर दिया गया है और बिजली आपूर्ति की बात चल रही है किसी भी तरह से बाधित नहीं होने की बात यहाँ पर की जा रही है। जी मनीषा, बिल्कुल, ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें, चक्रवात निसर्ग ने यहाँ पर खतरे की घंटी बजाती है।